आप देख रहे हैं ग्लोबल इंडिया टीवी। धार में रेत माफियाओं के हौसले इतने बुलंद है कि वे अब पुलिस कर्मियों को भी नहीं छोड़ रहे। ताजा मामला राजगढ़ से सामने आया, जहां रेत माफियाओं ने रेत से भरे ओवरलोड डंपर से पुलिस कर्मियों को कुचलने का प्रयास किया। ये तो गनीमत रही कि पुलिस कर्मियों ने किसी तरह भागकर अपनी जान बचाई, नहीं तो एक बड़ा हादसा हो सकता था। दरअसल धार के राजगढ़ में प्रशासन और पुलिस की संयुक्त टीम ने कार्रवाई करते हुए ओवरलोड रेत के डंपर्स को पकड़कर कार्रवाई के लिए खड़ा किया था। रात में इन डंपर्स की सुरक्षा के लिए 2 पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया था, लेकिन रेत माफियाओं ने यहां से डंपर ले जाने का प्रयास किया और मौके पर मौजूद पुलिसकर्मियों ने जब उन्हें रोका तो पुलिसकर्मियों को डंपर से कुचलने का प्रयास किया। किसी तरह पुलिसकर्मियों ने अपनी जान बचाई और उसके बाद अन्य पुलिसकर्मियों को यहां बुलाया गया और डंपर को पकड़ा गया, लेकिन इस दौरान डंपर चालक रात के अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गया। वहीं पूरे मामले में राजगढ़ थाना पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर लिया है और अब वो कार्रवाई में जुटी हुई है। ग्लोबल इंडिया टीवी के लिए धार से अमर वर्मा की रिपोर्ट। क्या हुआ था आपके साथ? हाँ, रेत की गाड़ियां जो एसडीएम साहब द्वारा खड़ी कराई गई थी, हाँ, तो सुरक्षा में हम दोनों लोग लगे थे, हाँ, तो ये डंपर वाला, हाँ, खाली करके हमारे ऊपर चढ़ा गया, अच्छा, भगने लगा लेके, तो रेत चले गया। हमने बड़ी मुश्किल से रोका है इसको, हाँ, और ये गोपाल जी को भी ऊपर चढ़ा। अच्छा, आपके ऊपर चढ़ाते हो? ये एक पर चढ़ाने लगा, ये पीछे भी रोका। अच्छा, आपका नाम क्या है? आरक्षक 972 गोपाल। पुलिस व प्रशासन के द्वारा रेत माफिया या अन्य माफियाओं की जो शासन की मनसानुरूप कार्रवाई की जा रही है, जिसमें अनियमित रेत परिवहन को लेके जो राजगढ़ के अंदर संयुक्त कार्रवाई की गई थी, जिसमें काफ़ी डंपरों को पकड़ा भी गया था और उनको सुरक्षित रखा गया था। उसमें एक डंपर चालक लास्ट में जो था वो अपने डंपर को भंगार ले जाने के लिए लगा था, क्योंकि सुरक्षार्थ पुलिस लगी हुई थी, तो उसने उनके साथ में रेस में लापरवाही पूर्वक गाड़ी चला के निकालने की कोशिश की थी। संबंधित जो घटना थी उसमें लापरवाही का शासकीय कार्य में बाधा का प्रकरण पंजीबद्ध किया और शीघ्र ही उनके खिलाफ वैधानिक कार्रवाई करके गिरफ्तार किया जाएगा।